नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। 27 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये वो इश्यूज है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, कल 26 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स में नहीं दे पाया था, मैं कहीं बाहर गया हुआ था, उसके लिए मैं आपको ये नहीं दे पाया था। 24 और 25 फरवरी को मैंने आपको एडिटोरियल एनालिसिस दी थी। तो अब शुरू करते हैं। कुछ इश्यूज़ हैं जो मैंने आज के में इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती, जो कि मैं आगे आने वाले दिनों में कंप्लीट कर लूँगा। तो आप सारी वीडियोस को देखिए, हॉलिस्टिकली आपको हर चीज़ कवर हो जाएगी। तो जो सबसे पहली चीज़ मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, तो पीएम किसान स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है। ऑफिशियली पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं किसानों के अकाउंट में। इसको इंटरिम बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो स्कीम के बारे में भी देखेंगे। फिर नेशनल वॉर मेमोरियल को इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर ने, उन मार्टियर्स को याद करने के लिए, कोमोमोरेट करने के लिए जिन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस अपनी जान दी है। फिर एपेक्स कॉन्फ्रेंस ऑन स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट, ये क्या है देखेंगे। फिर आईप्रिज्म, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, हमारे देश के स्कूलों से, पॉलिटेक्निक से बच्चे आके पार्टिसिपेट करें, तो इसका सेकेंड एडिशन। फिर गांधी पीस प्राइज 2015-16-17-18 का दिया गया है। फिर नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2019, इसके अभी अभी अवार्ड्स दिए गए हैं, 12 जनवरी को इसे लॉन्च किया गया था, इसके बारे में देखेंगे। फिर सी आर धन 310, 311, 801, 802, ये राइस वेराइटीज़ हैं जिनको नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है। फिर सम्प्रीति 2019, इंडिया बांग्लादेश की मिलिट्री एक्सरसाइज, इसके बारे में बात करेंगे, मार्च में होगी ये। फिर फाउंडेशन डे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। फिर हिमाचल प्रदेश में मंकीज़ को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया गया, वर्मिन मतलब उनको मारा जा सकता है। फिर वन लाइनर न्यूज़ बहुत सारी हैं, देखिए वन लाइनर न्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को गोरखपुर से लॉन्च किया 24 फरवरी 2019 को। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि कहाँ से लॉन्च किया, गोरखपुर से लॉन्च किया। ये वन लाइनर क्वेश्चन बनता है जो कि पीसीएस टाइप एग्जामों में आ सकता है, यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा। 24 फरवरी 2019 ये डेट भी आपसे पीसीएस टाइप एग्जामों में ही पूछी जा सकती है। अब ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम थी, जिसको पीएम किसान बोलते हैं, इसको इंटरिम बजट 2019-20 में लागू किया गया, जिसमें कहा जा रहा है कि 12 करोड़ फार्मर फैमिलीज को 6,000 रुपये साल में दिए जाएंगे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, यानी 4-4-4 महीने के एंड पे 2,000 रुपये दिए जाएंगे। और किन किसानों को दिए जाएंगे, जिनके पास 2 हेक्टेयर्स ऑफ कल्टिवेबल लैंड्स, और याद रखिए जो ओन करते हैं ये 2 हेक्टेयर्स ऑफ कल्टिवेबल लैंड, वो नहीं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं दूसरे पे एज किराए पे फार्मिंग कर रहे हैं, जिनके पास खुद का 2 हेक्टेयर तक का लैंड है केवल, जो कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं, उनको ये पैसे दिए जाएंगे। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इतने से पैसे होगा क्या, गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की फाइनेंशियल नीड्स को सप्लीमेंट करेंगे, उनको मदद करेंगे कि एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में वो हल्के फुल्के इनपुट्स जब उनको समय पड़े वो खरीद सकें, रूरल कंजम्पशन को ये बूस्ट करेंगे और फार्मर्स की इनकम को 2022 तक डबल करने में मदद करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई 6,000 रुपये में फार्मर्स कर क्या लेंगे, आजकल 6,000 रुपये की वैल्यू क्या है, वो भी आप एक बार में नहीं दे रहे हो, आप 4-4 महीने के बाद 2,000 रुपये दे रहे हो। तो देखा जाए फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो ये स्कीम बहुत इफेक्टिव है। इफेक्टिव इसलिए है फ्रेंड्स, देखिए अगर आप फार्मर के पर्सपेक्टिव से सोचिए, जो गरीब किसान गाँव में रह रहा है वो क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि अगर 10 से 15 किलो अनाज भी आ जाता है हमारे घर में, तो हमारे घर में खाने का इंतजाम हो जाएगा अगले 2 महीने तक का। तो आप समझिए, हर 4 महीने के बाद अगर किसान के अकाउंट में सीधे सीधे 2,000 रुपये आ रहे हैं, तो उससे उसको कितनी सहूलियत हो सकती है। ठीक है, वो अपना अनाज खरीद सकता है, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो अपने खेतों में, जो कि 2 हेक्टेयर तक के कम है, अपने खाने के लिए बीज खरीद के बो के कम से कम सस्टेनेबल फार्मिंग कर सकता है। ठीक है ना, जिसपे वो सिर्फ अपने खाने भर का उगा सके, तो कम से कम खाने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। तो ये एक बहुत इफेक्टिव स्टेप है। कहा जा रहा है कि 75,000 करोड़ तक सरकार के खत्म होंगे इस पीएम किसान सम्मान निधि की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में। ठीक है, तो जो पहला ट्रांच है ये ट्रांसफर कर दिया गया था सक्सेसफुली किसानों के अकाउंट में। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल, ये क्या है। तो प्रधानमंत्री जी ने अभी नेशनल वॉर मेमोरियल डेडिकेट किया है नेशन को 25 फरवरी को। ये नेशनल वॉर मेमोरियल इनॉग्रेट किया गया है इंडिया गेट के पास नई दिल्ली में। ये हमारे सोल्जर्स को एक ट्रिब्यूट है, उन सोल्जर्स को जिन्होंने अपनी जान दे दी हमारे देश को बचाते हुए इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, तो इसमें उन सोल्जर्स के सेक्रीफाइसेस को भी रिकॉग्नाइज किया गया है जिन्होंने पीस कीपिंग मिशंस में,
काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में अपने जान दिए। देखिए पीस कीपिंग मिशंस, देखिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस बहुत ही बड़ी मात्रा में दुनिया भर में भेजी जाती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जो आप कह सकते हो सिविल स्ट्राइफ जहां पे फैला हुआ है, तो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस आप समझ लीजिए कि दुनिया में दूसरे नंबर के सबसे ज़्यादा इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस डिप्लॉयड है पूरी दुनिया में। नंबर वन पे पाकिस्तान की है जहां तक मुझे याद है, ये एक दो साल पहले का डाटा है, आप अपडेट कर सकते हैं। फिर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस मतलब फ्रेंड्स कि जैसे कि आप देखिए कश्मीर में मान लीजिए पता चला कि किसी एक इलाके में कुछ टेररिस्ट घुसा है, तो उन टेररिस्ट को हटाने के लिए, उनको एलिमिनेट करने के लिए काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन हुआ, तो उस केस में बहुत सारे लोगों को शहीद हो जाते हैं, तो उनके सैक्रिफाइस को रिकॉग्नाइज करने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज में ये नेशनल वॉर मेमोरियल है, पर हमारे देश में नहीं था। इसलिए 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक नेशनल वॉर मेमोरियल जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास मॉन्यूमेंट होगा उसको हम अपने शहीदों के लिए बनवाएंगे, और फाइनली इसको बना दिया गया है दिल्ली में। तो इसमें चार कंसेंट्रिक सर्किल होंगे, एक होगा अमर चक्र जिसको बोलते हैं सर्किल ऑफ इमोर्टैलिटी, फिर एक होता है वीरता चक्र जिसको बोलते हैं सर्किल ऑफ ब्रेवरी, फिर एक होता है त्याग चक्र जिसको बोलते हैं सर्किल ऑफ सैक्रिफाइस, और एक होता है रक्षक चक्र जिसको बोलते हैं सर्किल ऑफ प्रोटेक्शन। तो ये चार चक्र हैं इसमें। अब 21 अवार्डीज ऑफ परमवीर चक्र के बस्ट उनकी इमेज को वहां पे बनाया जाएगा। फिर 3 लिविंग अवार्डीज हैं जो कि हैं सूबेदार मेजर बाना सिंह जो कि रिटायर हो चुके हैं, फिर सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार संजय कुमार, ठीक है। तो इनकी के नाम से ये भी 3 अवार्डीज हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है इस नेशनल वॉर मेमोरियल में, ठीक है। फिर नेशनल वॉर मेमोरियल हमारे देश का एक एफर्ट है कि उन शहीदों ने जिन्होंने हमारे देश के लिए जान की है, जान दी है, हम उनको याद करें, उनकी इज्जत करें। तो ये एक एफर्ट है इंडिया का अपने शहीदों को याद करने का, और इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था फ्रेंड्स। पूरी दुनिया भर में नेशनल वॉर मेमोरियल्स बड़ी बड़ी कंट्रीज में बनाए गए हैं, हमारे देश में थोड़ा लेट बनाया पर देर आए दुरुस्त है। फिर हम बात करेंगे एपेक्स कॉन्फ्रेंस ऑन स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एक 2 दिन का कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रही है 26 से 27 फरवरी नई दिल्ली में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एपेक्स कॉन्फ्रेंस ऑन स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट। 26-27 फरवरी कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। कौन करा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स से रिलेटेड कुछ और इनिशिएटिव्स हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात आएगी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। देखिए वैसे तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जून 2017 में कंसीव किया गया था और तब से रिलीज किया जा रहा है, तो उसी हिसाब से ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 को भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया था। ये ईज ऑफ लिविंग को ऑब्वियसली मेजर करेगा हर पिलर में अर्बन डेवलपमेंट के, चाहे वो फिजिकल पिलर हो, इंस्टीट्यूशनल पिलर हो, सोशल पिलर हो या इकोनॉमिक पिलर हो। 78 इंडिकेटर्स में 15 कैटेगरीज में एसेस करता है ये, और फिर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की रैंकिंग्स देता है। उसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अगर कुछ और इनिशिएटिव्स की बात की जाए तो एक है इंडिया स्मार्ट सिटीज फेलोशिप फिर प्रोग्राम, फिर है इंडिया स्मार्ट सिटीज इंटर्नशिप प्रोग्राम, फिर स्मार्ट सिटीज डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2018। ये सब आपके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने रिलीज किए हैं। फिर अब हम बात करते हैं आई प्रिज्म के बारे में। देखिए फ्रेंड्स आई प्रिज्म का सेकेंड एडिशन लॉन्च किया गया है। लॉन्च किसने किया है? सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। IPR मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट सीपम, ये किसके अंदर है? ये है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड, और ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में। तो DPIIT के साथ SOCHAM और एरिक्सन इंडिया ने मिलकर इस IPrism के सेकेंड एडिशन को लॉन्च किया गया है। इस सेकेंड एडिशन में क्या होगा कि भाई देखिए स्टूडेंट्स जो हैं हमारे स्कूल्स के, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस के, यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के, वो एक कंपटीशन में भाग लेंगे। वो होगा एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंपटीशन। वहाँ पे बच्चों के इनोवेशन को और क्रिएटिविटी को चेक किया जाएगा, और अगर वो कोई बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव आइडिया सामने लाते हैं तो फिर उस क्रिएटिव आइडिया का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उस बच्चे को दिया जाएगा। और इससे होगा क्या? इससे भाई देखिए जो हमारी यंगर जनरेशन है, देखिए आज की डेट में रिसर्च और डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि USA जो आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन के बैठा है, और आज चाइना और ये लोग जो कंपटीशन दे रहे हैं USA को, जर्मनी वगैरह,
ये सिर्फ अपने रिसर्च और डेवलपमेंट के दम पे दे रहे हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा किससे? ह्यूमन रिसोर्सेज से। हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स हैं, तो इनको मोबिलाइज किया जा रहा है ताकि क्रिएटिव बने, इनोवेट करें और ऐसी ऐसी चीज़ें बनाएं जो आगे आने वाले समय में लोगों के जीने के तरीके में सुधार ला सकें, लोगों की ज़िंदगी आसान बना सकें और उनको नेशनल प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्निशन भी मिलेगा। तो इसमें जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनको तो इनाम मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ जो कॉलेज है उसको भी एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन मिलेगा इनके काम के लिए, ठीक है। तो इस साल जो एंट्रीज हैं वो आईपी इन डेली लाइफ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन डेली लाइफ के अंदर दो कैटेगरीज में मंगवाई गई हैं, एक तो कॉमिक बुक मेकिंग में और फिल्म मेकिंग में। फिल्म शायद 60 सेकंड्स की बनानी है और कॉमिक बुक मेकिंग शायद आपको कुछ पेजेस की बनानी है, वो टेक्निकल उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल दो कैटेगरीज याद रखिए, फिल्म मेकिंग और कॉमिक बुक मेकिंग में इस बार का जो सेकंड एडिशन है आई प्रिज्म का वो लॉन्च किया गया है। फिर हम बात करेंगे गांधी पीस प्राइज फॉर 2015-16, 17 और 18। अब देखिए, इसको इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर डिसआर्ममेंट से कन्फ्यूज मत करिएगा, ये अलग अवार्ड है। तो गांधी पीस प्राइज 4 साल का, 15, 16, 17, 18 का इकट्ठा दिया गया है इस बार, ठीक है। तो कब दिया जाएगा? 26 फरवरी 2019 को दिया गया, ये राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया। किसको किसको दिया गया? विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को दिया गया 2015 के लिए। जब ये अवार्ड दिए जा रहे थे तो खुद प्रधानमंत्री जी भी थे वहाँ पे फैसिलिटेट करने के लिए उन लोगों को जिनको अवार्ड्स मिला है। फिर दूसरा अवार्ड मिला है, ज्वाइंटली दिया गया है अक्षय पात्रा फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को 2016 का। फिर एकल अभियान ट्रस्ट को 2017 का अवार्ड मिला है और एस एच योही ससाकावा को 2018 का ये अवार्ड दिया गया है गांधी पीस प्राइज। अब हम बात करेंगे कि भाई गांधी पीस प्राइज अवार्ड है क्या? तो ये सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो लाया लाता है नॉन वायलेंस के थ्रू। नॉन वायलेंस मतलब बिना वायलेंट टैक्टिक्स को अपना के अगर आप कुछ सोशल चेंज लाते हो, इकोनॉमिक चेंज लाते हो, पॉलिटिकल चेंज लाते हो, तो उसमें ये दिया जाता है गांधी पीस प्राइज। इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 1995 में। इसमें 1 करोड़ का अमाउंट दिया जाएगा जो इसको जीतेगा और एक साइटेशन दिया जाएगा। फिर बात आए कि इस अवार्ड को देने के लिए जो कमेटी बनती है, जो डिसाइड करती है कि किन किन लोगों को ये अवार्ड दिया जाएगा, तो उसमें कौन कौन होता है? तो भाई देखिए, उसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर, एक्स ऑफिशियो मतलब उसके परमानेंट मेंबर है, वो है ही उसमें ओरिजिनली। फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर है, लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ लोकसभा। और मान लीजिए लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ लोकसभा है नहीं, मान लीजिए 10% उस पार्टी की मेंबरशिप नहीं है लोकसभा में, तो फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, तो वो आ जाएंगे इसमें। और उसके अलावा 2 और एमिनेंट पर्सन होंगे जो कि नॉमिनेटेड पर्सन होंगे, तो टोटल 5 लोग होंगे इसमें, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा और द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा और 2 एमिनेंट मेंबर्स। ये 5 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि ये अवार्ड किसको देना है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको देना है। फिर हम बात करेंगे फ्रेंड्स नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2019 की। देखिए, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2019 के अवार्ड दिए हैं अभी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 27 फरवरी 2019 को, मतलब दिए जाएंगे कल, मतलब आज दिए जाएंगे 27 फरवरी 2019 को। अब ये जो इस साल का नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल है ना 2019 का, इसको लॉन्च कब किया गया था? 12 जनवरी को किया गया था। अब 12 जनवरी को क्यों लॉन्च किया? क्योंकि उस दिन होता है नेशनल यूथ डे या फिर युवा दिवस। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे या फिर ये युवा दिवस क्यों होता है? क्योंकि उसी दिन था स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन। अब नेशनल यूथ डे के दिन इस नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2019 को लॉन्च किया गया क्यों? ताकि 1825 के एज ग्रुप में आने वाले जो यंग पीपल हैं वो हमारे देश में जो इम्पोर्टेंट इश्यूज चल रहे हैं, पब्लिक इश्यूज चल रहे हैं, उसके साथ कनेक्ट कर सके, उसके साथ इंगेज कर सके, उसको समझ सके हमारे देश के पब्लिक के नज़रिए से, हमारे देश के कॉमन मैन के नज़रिए से। क्योंकि जब हमारे देश के यूथ उन प्रॉब्लम्स को खुद से समझेंगे और कॉमन मैन के नज़रिए से समझेंगे, तब वो ये समझ पाएंगे कि भाई हमारे देश के कॉमन मैन रोज के बेसिस पे किन किन परेशानियों के साथ डील करता है। और जब वो इस चीज़ के लिए समझ पाएंगे तो वो उनके लिए एम्पैथी ला पाएंगे, उनके लिए सिंपैथेटिक ला पाएंगे, उनके लिए कुछ करने का जज्बा उनके अंदर आएगा। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के यूथ इस बात को समझे कि हमारे देश के लोग किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ताकि वो खुद अपने आप को इस चीज़ में डिप्लॉय कर सकें
और अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें अपने अपने तरीके से। वो कंट्रीब्यूशन किसी भी तरीके का हो सकता है, जरूरी नहीं आप फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करें। अगर आप सोशल फील्ड में भी कुछ कर रहे हैं तो आप अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2019 का मनाया गया। इसकी थीम है बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया और फाइंड सॉल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसीज। तो ये इसकी थीम है। अब ये नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल इंकरेज करेगा यूथ को पब्लिक इश्यूज के साथ करिए, कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, एक्सप्रेस करिए आर्टिकुलर मैटर में, वही सब जो चीज़ें मैंने आपको बताई आप समझ ही सकते हैं। फिर रेलेवेंट एंड इफेक्टिव वॉइसेस ऑन द विजन ऑफ न्यू इंडिया वुड बी कैप्चर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड टू मेक दिस अवेलेबल टू पॉलिसी मेकर्स एंड इम्प्लीमेंटर्स टू टेक इट फॉरवर्ड। यानी कि जब ये फेस्टिवल होगा तो उसमें बहुत सारे यंग गन्स आएंगे, अपने जो सुझाव है उनको सामने रखेंगे, और अगर उनमें से कोई सुझाव बहुत एक्सेप्शनल है, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत अच्छा है, तो उस सुझाव को कैप्चर किया जाएगा, डॉक्यूमेंट किया जाएगा, उसको प्रॉपर एक फॉर्म में बना के पॉलिसी मेकर्स के सामने रखा जाएगा, पॉलिसी इम्प्लीमेंटर्स के सामने रखा जाएगा, और उसमें से जो अच्छे अच्छे पॉइंट हैं उनको उठा के इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। इस नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2019 को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक तो कर रहा है नेशनल सर्विस स्कीम और दूसरा कर रहा है नेहरू युवा केंद्र संगठन। ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर आते हैं। फिर हम बात करेंगे सी आर धन 310, 311, 801 और 802 को रिलीज किया गया है। अब देखिए सी आर 310 और 311 ये हाई प्रोटीन राइस वेराइटीज है और 801 और 802 क्लाइमेट स्मार्ट वेराइटीज है। दोनों ये चारों राइस की वेराइटीज है जो भाई सबमर्जेंस और ड्रॉट दोनों का रेजिस्टेंस है। सबमर्जेंस और ड्रॉट मतलब अगर पानी आता है और फसल पानी के अंदर डूब जाती है तब भी वो राइस की वैरायटी खराब नहीं होगी। ड्रॉट यानी कि अगर पानी नहीं भी है और बहुत कम पानी है, बहुत गर्मी पड़ रही है, तब भी वो राइस की वैरायटी बहुत ज़्यादा हद तक रेजिस्ट कर सकती है, खराब नहीं होगी। बहुत सारे बायोटिक स्ट्रेस से भी ये रेजिस्ट कर पाएगा और क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस से ये टैकल कर पाएगा चूंकि ये क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटी है। फिर एक और न्यूज़ आई है फ्रेंड्स कि एक सेंट्रल जीनोमिक्स और क्वालिटी लेबोरेटरी फैसिलिटी बनाई गई है, इनॉग्रेट की गई है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में। तो जो कटक उड़ीसा में आपका ICARNRRI का जो आपका फैसिलिटी है वहाँ पे कैटल जीनोमिक्स और क्वालिटी लेबोरेटरी की फैसिलिटी को भी इनॉग्रेट किया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। देखिए जब भी किसी भी इम्पॉर्टेंट इशू से रिलेटेड न्यूज़ आती है तो उससे कनेक्टेड चीज़ों को भी मैं इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना फ्रेंड्स, ये नोडल एजेंसी है ताकि जो ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया प्रोग्राम है ना BGREE, उसका प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग ये NRRI ही करता है। चूंकि ये NRRI कटक उड़ीसा में है और उड़ीसा हमारे ईस्टर्न इंडिया में है तो ऑब्वियसली बात है ये इंस्टीट्यूट बिल्कुल राइट जगह पे प्लेस्ड है ईस्टर्न इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को ले जाने के लिए। फिर NRRI का एक और इनिशिएटिव है कि एक मोबाइल ऐप है राइस एक्सपर्ट। तो इस राइस एक्सपर्ट मोबाइल ऐप को भी NRRI ने ही बनाया है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ही बनाया है, क्योंकि ये ऐप फार्मर्स को रियल टाइम में ये इन्फॉर्मेशन देती है। और वो इन्फॉर्मेशन कौन देता है? देखिए साइंटिस्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं फार्मर्स को तो वो सीधे सीधे इस राइस एक्सपर्ट ऐप के थ्रू दे दी जाएगी और ये इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में जाएगी, यानी कि तुरंत के तुरंत ये ट्रांसफर की जाएगी फार्मर्स के पास ताकि फार्मर्स जल्दी से जल्दी इसको ग्राउंड लेवल पे डिप्लॉय कर सकें और इससे फायदा उठा सकें। फिर हम बात करेंगे संप्रीति 2019 की। संप्रीति 2019 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, हो रही है आपकी तांगेल बांग्लादेश में 2 मार्च से 15 मार्च 2019 तक। किसके किसके बीच में है? बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बाइलेटरल डिफेंस कोऑर्डिनेशन है, डिफेंस कोऑपरेशन है, 8वां एडिशन है, अल्टरनेटिवली होस्ट होता है, 1 साल आपका बांग्लादेश में 1 साल इंडिया में, इस तरीके से होस्ट होता है, ये 8वां एडिशन है। तो इसमें टेक्टिकल लेवल ऑपरेशंस होंगे, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस होंगे, काउंटर टेररिज्म होंगे यूएन मैंडेट के अनुसार। फिर इस बात पे भी ध्यान दिया जाएगा, भले ही मिलिट्री एक्सरसाइज है बट कल्चरल कोऑपरेशन के थ्रू दोनों मिलिट्रीज के बीच में ट्रस्ट और कोऑपरेशन को बढ़ाया जाएगा। यानी कि भले ही एक मिलिट्री एक्सरसाइज है बट इस मिलिट्री एक्सरसाइज में भी उस कल्चरल ट्रेड को इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि उस कल्चरल ट्रेड का इस्तेमाल करके मिलिट्री के बीच के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो रिश्ते हैं, उनको अच्छा किया जा सके। चूंकि देखिए फ्रेंड्स, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, ये सब कॉन्टिनेंट एक ही मतलब एक ही पार्ट थे ये बहुत साल पहले, तो जो कल्चर है दोनों जगहों का वो काफ़ी हद तक उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। तो कल्चर का इस्तेमाल करके मिलिट्रीज के बीच में जो आपका कोऑर्डिनेशन है उसको इम्प्रूव करने की बात करी गई है। फिर
अभी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का 33rd फाउंडेशन डे था, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो 33rd फाउंडेशन डे में ब्राइट अवार्ड्स दिए गए हैं, ब्राइट अवार्ड्स को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्सेलेंस अवार्ड, ये दिए गए हैं 26 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में, ठीक है। इसका थीम क्या है, सेलिब्रेटिंग बायोटेक्नोलॉजी बिल्डिंग इंडिया एज एन इनोवेटिव नेशन, इनोवेशन नेशन, ठीक है। तो इस थीम को याद रखिएगा। देखिए थीम बेस्ड क्वेश्चंस आज की डेट में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं और ये पीसीएस वगैरह बाकी एग्जाम्स पे तो पूछे जाते ही जाते हैं, ठीक है। अब ये भी आपसे पूछ सकता है कि भैया फाउंडेशन डे ऑफ बायो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये भले ही यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा पर बाकी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो वो 26 फरवरी है, ठीक है। और ये वाला कौन सा था, 33rd फाउंडेशन डे था। अब कुछ नए मिशन लॉन्च किए गए हैं इस फाउंडेशन डे पे, उन पे एक बार ध्यान दीजिएगा। तो एक है अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन, इसको बोलते हैं अंडरटेकिंग नेशनली रेलेवेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन उन्नति। इसको कहा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्म करेगा हेल्थ को, एग्रीकल्चर को, एनर्जी सेक्टर्स को अगले 5 सालों में। इसके कुछ सब मिशंस भी हैं। सब मिशंस क्या हैं कि भाई गर्भ इनी, अब गर्भ इनी में गर्भ से आप समझ सकते हैं कि कुछ मैटरनिटी से रिलेटेड होगा, तो कहा जा रहा है कि एक मिशन है कि वो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, प्री टर्म बर्थ को प्रिडिक्ट करेगा। फिर एक आपका इसके अंदर लॉन्च किया गया इनिशिएटिव इंड सेपी, ये एक मिशन है कि भाई एंडेमिक डिजीजेस के लिए अफोर्डेबल वैक्सीन्स को डेवलप किया जाएगा। फिर डेवलपमेंट ऑफ बायो फोर्टिफाइड एंड प्रोटीन रिच वीट होगा इसके अंदर, जिससे पोषण अभियान को ज़बरदस्त तेज़ी मिलेगी। फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे एक मिशन बनाया गया है ताकि डायग्नोसिस जल्दी हो सके, थेरेपेटिक्स जल्दी हो सके और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को सही टाइम पे चेक किया जा सके। फिर क्लीन एनर्जी मिशन पे भी ये फोकस करेगा ताकि कुछ ऐसे इफेक्टिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस लाए जा सके जिससे स्वच्छ भारत मिशन की मिशंस को जल्दी मीट किया जा सके। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में अभी अभी मंकीज को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया गया है। मंकी, जब भी आप किसी स्पेशीज को वर्मिन डिक्लेयर कर देते हैं तो उसकी कलिंग लीगल हो जाती है। कलिंग मतलब उसको मारना, उसको एलिमिनेट करना लीगल हो जाता है। अब देखिए हुआ क्या है, देखिए बंदरों का आतंक तो आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, हर सिटी में बंदरों का आतंक है। हिमाचल प्रदेश की कुछ सेलेक्टेड जगहों में बंदरों का आतंक जरूरत से ज्यादा हो चुका था। तो ये रीसेस मकाऊ मकाका मुलाटा मंकीज है, इनको वर्मिन डिक्लेयर कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 38 तहसील और 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश में 1 साल के लिए। अब ये जो एनिमल्स थे ये भाई क्रॉप्स को तो नुकसान पहुंचाते हैं, साथ साथ ह्यूमंस को भी नुकसान कर सकते हैं। आएंगे, काट के चले जाएंगे, इंसान को इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, बच्चों को परेशान करेंगे, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कई कई जगहों पर तो एकदम तांडव सा मचा रखा है इन मंदिरों ने। तो इसी को देखते हुए इनको वर्मिन डिक्लेयर किया गया है इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, लगभग इन 38 तहसील्स में। लेकिन बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में भी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये वर्मिन कर देना क्या एक प्रॉपर सोल्यूशन है, क्या बंदरों को मार देना, किसी भी स्पेशीज को मार देना एक प्रॉपर सोल्यूशन है। तो इस बारे में अभी बहुत सारी बहस चलेगी। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग लॉज हैं, वाइल्ड लाइफ लॉज हैं। तो एक लॉ है सेक्शन 62 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, जिसमें बोल सकते हैं कि वो जानवर जो कि शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में नहीं आते हैं, बाकी शेड्यूल्स में आते हैं, उनको वर्मिन डिक्लेयर कर सकती है सरकार स्पेसिफाइड एरिया के लिए, स्पेसिफाइड पीरियड्स के लिए। तो वाइल्ड बोर्स, नील गाय, रेसिस मंकीज ये शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 मेंबर्स में आते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो दी जाती है फ्रेंड्स वो शेड्यूल 1 को दी जाती है, उसमें टाइगर जैसे जानवर आए जाते हैं, उनकी हंटिंग किसी भी सिचुएशन में अलाउड नहीं है क्योंकि वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। और जो शेड्यूल 5 में जो एनिमल्स आते हैं उनकी कलिंग अलाउड है, शेड्यूल 5 में आपके बैट्स टाइप के एनिमल आते हैं। फिर कुछ और हम देखते हैं फ्रेंड्स, सेक्शन 11 क्लॉज ए सब क्लॉज ए में, ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का है, ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को परमिशन देता है कि वो किसी पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल की हंटिंग को अलाउ कर सकता है अगर उसे कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, ट्रैंकुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांसलोकेट नहीं कर पा रहे हैं। कैप्चर मतलब उसको पकड़ नहीं पा रहे, ट्रांसलोकेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, ट्रैंकुलाइज मतलब उसको कुछ ड्रग दे के कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है। फिर शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और ऑथराइज्ड ऑफिसर उनकी हंटिंग को स्पेसिफाइड एरिया में अलाउ कर सकता है अगर ये स्पेशीज ह्यूमंस के लिए
और प्रॉपर्टीज के लिए खतरनाक हो चुकी हैं, और उस प्रॉपर्टी में आपके स्टैंडिंग क्रॉप्स भी आते हैं, क्योंकि स्टैंडिंग क्रॉप्स एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और बहुत से केसेस में एग्रीकल्चर पॉपुलेशन रूरल एरियाज में होती है, और रूरल एरियाज इन एनिमल्स के कोर एरियाज के बहुत ज़्यादा विसिनिटी में होते हैं, इसलिए मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ जाता है, साथ साथ इन क्रॉप्स को भी बहुत नुकसान होता है इन जानवरों से। ठीक है, अब हम कुछ वन लाइनर न्यूज़ देखेंगे फ्रेंड्स। वन लाइनर न्यूज़ भी आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी एक रिसेंटली ऑर्गेनाइज कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ने। इसका जो मतलब हेडिंग है अब वो है आपकी एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स 2019, फाइनेंसिंग एंड इनेबलिंग वुमेन फॉर मार्जिनलाइज सेक्शंस। ये इसकी थीम है, मुंबई में ऑर्गेनाइज हो रहा है 25 फरवरी 2019 को। इस कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नेशनल एससी एसटी हब इनिशिएटिव के अंदर। ये नेशनल एससी एसटी हब इनिशिएटिव माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री का है। इसका काम क्या है कि एक सपोर्टिंग इकोसिस्टम दिया जाएगा एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स को। फिर लेके आए हैं भविष्य सॉफ्टवेयर। इस भविष्य सॉफ्टवेयर का काम क्या है, देखिए भविष्य सॉफ्टवेयर अभी पेंशनर्स की एक मीटिंग को एड्रेस किया था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, तो उस केस में यहाँ भविष्य सॉफ्टवेयर की बात उठी थी, इसलिए मैं भविष्य सॉफ्टवेयर को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। भविष्य सॉफ्टवेयर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है, एक कॉमन सॉफ्टवेयर है जो कि सारे मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में एप्लीकेबल है। ये काम करेगा कि भैया देखिए, जो मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वो एम्प्लॉयज जो कि पेंशन के अंदर कवर होते हैं, उनकी पेंशन रिलेटेड क्वेरी को अगर उनको रजिस्टर करना है तो वो इस ऑनलाइन इनिशिएटिव भविष्य सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। तो नेशनल ई गवर्नेंस का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप ये समझ सकते हैं। तो भविष्य सॉफ्टवेयर इज रिलेटेड टू पेंशंस, इस बात को याद रखिएगा। फिर एक कॉन्फ्रेंस है द फ्यूचर ऑफ इंडियन बैंकिंग, इसको नीति आयोग को होस्ट कर रहा है, किसके साथ, फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर के साथ। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर को बोलते हैं EGROW, एग्रो फाउंडेशन। तो इस फाउंडेशन को कोहोस्ट किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, 22 फरवरी 2019 को। किस पे है ये, द फ्यूचर ऑफ इंडियन बैंकिंग पे। इसको इनॉग्रेट किसने किया, डॉक्टर राजीव कुमार जी ने किया, जो कि वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, तो वो है डॉक्टर राजीव कुमार, इन्होंने इनॉग्रेट किया है। इनका काम क्या है कि भाई बैंकिंग सेक्टर जो है इंडिया में, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसको एलिवेट करिए, उसके अंदर कुछ इंसाइट्स डेवलप करिए, ताकि हमारा इंडियन बैंकिंग सेक्टर और डेवलप कर सके, और ग्रो कर सके, और आगे बढ़ सके। ठीक है, और हमारे देश की जो क्रेडिट नीड्स है उसको कैटर कर सके, मीट कर सके। वो बोल बच्चन आप जितना चाहे उससे इंक्लूड कर लें, बस याद रखिएगा कि कॉन्फ्रेंस का नाम है द फ्यूचर ऑफ इंडियन बैंकिंग। किसने ऑर्गेनाइज किया, नीति आयोग और एग्रो ने, यानी फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ और वेलफेयर ने। फिर अभी प्रधानमंत्री जी ने 25 फरवरी को नेटवर्क 18 राइजिंग इंडियन समिट को एड्रेस किया न्यू दिल्ली में। तो आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि नेटवर्क 18 राइजिंग इंडियन समिट हुआ कहाँ, नई दिल्ली में हुआ। थीम क्या थी, बियॉन्ड पॉलिटिक्स डिफाइनिंग नेशनल प्रायोरिटीज, बस इतना काम का है, याद रखिएगा। फिर भैया देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, आपने जरूर नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग यहाँ एडमिशन भी लेना चाहते हैं। जो भी मेन इंस्टीट्यूट है वो अहमदाबाद में है, तो दो और नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन को इनॉग्रेट किया गया है। एक को किया गया भोपाल मध्य प्रदेश में, दूसरे को किया गया जोरहत आसाम में। ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, किसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इस DPIIT को पहले DIPP बोलते थे, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, फिर इसको चेंज करके कर दिया गया डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम भी इसके काम के साथ मैच खाना चाहिए। चूंकि इंटरनल ट्रेड पे बहुत ध्यान देता है, इसलिए प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री तो डाला ही, साथ साथ आपका इंटरनल ट्रेड भी डाल दिया है। फिर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, चौथा ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट, इसको अभी इनॉग्रेट किया गया है नई दिल्ली में। कब इनॉग्रेट किया गया, 25 फरवरी 2019 को। इसको होस्ट कौन कौन करेगा, देखिए ये ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग है, इसमें बहुत सारे हेल्थ मिनिस्टर्स और बहुत अलग अलग कंट्रीज के जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने आके इस ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट चौथे में पार्टिसिपेट किया है, फरवरी 25, 2019 में। इसको होस्ट किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने किया है, किसके साथ मिलके किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके किया है, और ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप के साथ मिलकर किया है। आगे चलते हैं, अभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, फिर AAICLAS और फिर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलके एविएशन कॉन्क्लेव 2019 को ऑर्गेनाइज किया है। कब,
27 फरवरी 2019 को कहाँ, नई दिल्ली में। थीम क्या है? फ्लाइंग फॉर ऑल। ठीक है, तो थीम याद रखिए, जगह याद रखिए, कब हुआ ये याद रखिए। तो आई होप ये वीडियो में काम भर की चीज़ें आपको सारी समझ में आ गई हो फ्रेंड्स। कुछ इश्यूज अभी भी मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, जो कि आने वाली एक या दो या तीन दिन की वीडियोज़ में आपको मिल जाएगी। होलिस्टिकली वीक के एंड तक आपको इस वीक की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिटेल एनालिसिस के साथ मिल जाती हैं फ्रेंड्स। तो आप लाइन से मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, ठीक है। तो कल मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि 11 बजे तक पॉजिटिवली इस वीडियो को लाइव कर दूं। आज थोड़ा सा देर हो गई है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, कमेंट्स के थ्रू बताएं कैसी लगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इससे थोड़ी इनकरेजमेंट मिलती है और थोड़ा मन करता है कि और मेहनत से वीडियो बनाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।